चीरहरण से पहले द्रौपदी के कौन से अकाट्य तर्क थे कि पूरी सभा में किसी के पास उनका उत्तर नहीं था। उस समय प्रित सत्तात्मक समाज था, घर के मुखिया का पूरे परिवार पर अधिकार माना जाता था। इसी अधिकार से युधिष्ठिर ने अपने चार भाइयों को भी दाव पे लगाया था, फिर खुद को हारे, फिर द्रौपदी को हारे। पत्नी पति की संपत्ति होती है, इस बात को द्रौपदी ने भी चुनौती दी। उन्होंने कुछ बहुत ही तार्किक प्रश्न उठाए। पहला, जब युधिष्ठिर खुद को हार गए तो वो दास हो गए, जबकि द्रौपदी तब स्वतंत्र थी। क्या एक दास किसी स्वतंत्र व्यक्ति को द्वाब पे लगा सकता है? इसका उत्तर दिया गया कि पति के दास बनते ही पत्नी भी अपने आप दासी बन जाती है। दूसरा, फिर द्रौपदी ने कहा, अगर युधिष्ठिर के दास बनते ही द्रौपदी भी अपने आप हार कर दासी बन गई तो फिर से दाव पे कैसे लगी? ऐसे तो हर हारी हुई चीज को दोबारा दाव पे लगाकर अनंत काल तक द्यूत खेलते रहिए। इसका कोई उत्तर नहीं मिला। तीसरा, अर्जुन के दास बनते ही उसकी पत्नी सुभद्रा भी दासी हो गई, उसको भी सभा में लाकर अपमानित करो। द्रौपदी जानती थी कि सुभद्रा अपने भाई कृष्ण और बलराम की लाडली थी, उसका अपमान करने की हिम्मत किसी की नहीं थी। वो सिर्फ कृष्ण बलराम के नाम से कौरवों को डरा रही थी। अधर्मियों की सभा में इन प्रश्नों के उत्तर किसी के पास नहीं थे, इसलिए महाभारत के युद्ध में भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन जो भी छल कपट से मरे, सब उनके पापों का फल था। उनसे किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं होनी चाहिए।